हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं, तो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन पे वैलिडेशंस लगा सकते हैं और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लीव फैसिलिटी जो है ना वो अपने फॉर्म्स के अंदर अप्रोच जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और इसको बोल देते हैं पासवर्ड डेमो और ओके करते हैं। और सबसे पहले आकर जो है दो हम जो है ना टैग्स बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक लेबल ले लेता हूँ और लेबल को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और लेबल को बोल देते हैं पासवर्ड, और इसके टैग्स को थोड़ा सा हम यहाँ पर जाके बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट को बोल्ड और 16 कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया पासवर्ड, और यहाँ पर आके बोल देते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और इसको टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड यूज़ करेंगे। सिमिलरली मैं दो और कंट्रोल यहाँ पर बना लेता हूँ और इनको जाके हम बोल देते हैं, इसके टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ यहाँ पर आकर कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म, ठीक है। तो अब इससे पहले हम जो है लीव इवेंट्स को पढ़ चुके हैं कि अगर ये दोनों फील्ड खाली होती हैं तो अगर हम कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लगाएंगे। तो एरर प्रोवाइडर कंट्रोल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो दो एरर प्रोवाइडर यूज़ कर लेते हैं और फिर वैलिडेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट बॉक्स के लीव इवेंट पे आते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स के लीव इवेंट पर हम क्या काम कराएंगे, हम पहले तो ये चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आके ये हमारे पास आ जाता है लीव इवेंट, ये हमने एक्टिवेट कर लिया। अच्छा, तो अगर जब हमने देखा था हमने ईमेल वैलिडेशन परफॉर्म की थी तो उसके लिए भी हमने एक क्लास यूज़ की थी यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, और इस क्लास में हमें रेजिक्स की क्लास मिल जाती है जिसके ऊपर हम अपनी वैलिडेशंस अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए हमें कुछ पैटर्न चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग, एक पैटर्न हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको पेस्ट कर लेते हैं, और बेसिकली ये वैलिडेशन आपके पास क्या करेगी, ये तब तक ये मैच करेगी कि हमारे पास हमारे टेक्स्ट बॉक्स की जो फील्ड जिसके ऊपर हम ये अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर लाजमी एक लोअर केस वर्ड होना चाहिए, एक लाजमी उसके अंदर लोअर केस होने चाहिए, करेक्टर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और अपर केस करेक्टर होने चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना वो मेंशन करेगी। अब यहाँ पर देखें आपके पास एक एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्केप सीक्वेंस जो है ना वो इसको एज इट स्ट्रिंग गेट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम डबल यहाँ पर बैक स्लैश दे दें, एक और बैक स्लैश दे दें ताकि ये सिंगल इसको रीड कर ले, या फिर इसके अलावा हम यहाँ पर आके एट द रेट का साइन यूज़ कर लेते हैं तो ये जो है ना इसको जो है स्ट्रिंग की तरह गेट करेगा। तो पैटर्न हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, अब इससे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इफ अगर स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग इज, चले हम यहाँ पर नल और एम्प्टी को चेक नहीं भी करते, ठीक है, हम डायरेक्ट रेजेक्ट अप्लाई करते हैं। तो हम बोलते हैं इफ रेजिक्स, रेजिक्स डॉट इज मैच, ठीक है, अगर रेजिक्स इज डॉट मैच। और यहाँ पर हमने देखा था कि हमें दो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, पहले टेक्स्ट बॉक्स किस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स वन, और दूसरा फिर हमें पैटर्न। तो वेरिएबल हमारे पास पैटर्न के नाम से बना हुआ है, अगर ये बराबर होता है आपके पास किसके, ट्रू के, और यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट हमने प्रोवाइड नहीं किया तो इसके टेक्स्ट को चेक करेगा। तो अगर ये मैच हो जाता है पैटर्न से और ये रिटर्न करता है आपको ट्रू, तो इट मींस कि ये आपके पास वैलिड है। तो हम बल्कि यहाँ पर फॉल्स पे चेक कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर फॉल्स कंडीशन लगा लेते हैं और यहाँ पर आके बोल देते हैं एरर प्रोवाइडर वन डॉट सेट एरर, और यहाँ पर आके बोल देते हैं दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन, ठीक है, और यहाँ पर आके मैसेज दे देते हैं यू अपर केस लोअर केस नंबर रिक्वायर्ड फॉर पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और एल्स में हम बोल देते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कर दो, एरर प्रोवाइडर वन को
क्लियर कर दो जो हमने ऑलरेडी पहले ही वैलिडेशन अप्लाई की थी। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देखना कि अगर मैं जो है वो पासवर्ड में सिर्फ ये देता हूँ, तो देखें आपके पास एरर डिस्प्ले हो रहा है ना, लेकिन देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, वो मैसेज भी शो कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर मूव हो गया। तो हमने एक और चीज़ देखी थी कि हम फोकस जो है ना, जब तक यहाँ से एरर ख़त्म नहीं हो जाता, हम जो है ना फोकस यहाँ पर ही रख सकते हैं। तो वो भी हम देखते हैं। फिलहाल जैसे ही मैंने असद दिया, अपर केस में भी दे दिया, एट द रेट एक बार असद दिया, और जैसे ही 1 2 दे दिया, तो अब मैं जैसे ही जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एरर ख़त्म हो गया। लेकिन मैं अगर नंबर्स को हटा देता हूँ फिर जाता हूँ, तो मेरे पास एरर आ रहा है। करेक्टर को हटाता हूँ, 1 2 दे देता हूँ, तो अभी भी एरर है। तो हमारे पास जब तक हम ये जो चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक जो है ना ये पासवर्ड पे हमें एरर डिस्प्ले करता रहेगा। ठीक है, तो अब अगर ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद हम यहाँ पर बोल देते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो टेस्ट बॉक्स 1 के ऊपर ही जो है ना आपका फोकस है। तो हम यहाँ से जाते हैं, और अभी अगर ये मैच नहीं करता तो हमें यहाँ पर जाने ही नहीं देगा सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पे। तो जैसे ही मैं इसको सही वैल्यू पास करूँगा, ठीक है, तो अब देखें ये मुझे यहाँ पर सेकंड वाले पे जाने देगा। तो सिमिलरली अभी फर्स्ट वाले पे तो हमने ये कंडीशन लगा ली कि आपके पास वैल्यू जो है ना वो क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप प्रोवाइड करें। अब जो हमारा ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसके लीव इवेंट पे हम क्या करेंगे, इसके लीव इवेंट पे जो है ना वो हम चेकिंग करवाएंगे कि हमारा जो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जो पासवर्ड की फील्ड है वो फर्स्ट वाले पासवर्ड की वैल्यू से मैच करती है या नहीं करती। अगर मैच करेगी तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना एरर डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर आके हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 dot text नॉट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 dot text। ठीक है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू है तो हम एरर प्रोवाइडर 2 के अंदर सेट एरर कर देंगे, और यहाँ बोल देंगे कि दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है, और यहाँ पर आके एरर दे देते हैं कि पासवर्ड मिसमैच। ठीक है, और मिसमैच, और यहाँ पर आकर इसके ऊपर हम वही टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जो है वो फोकस रख देते हैं तब तक। और यहाँ पर आकर हम बोल देते हैं एल्स पार्ट में, वरना हम जो है ना क्लियर करवा देते हैं, एरर प्रोवाइडर 2 dot clear। ठीक है, तो सिंपल फंक्शनैलिटी रखी है। और यहाँ पर आके ना मैं एक बटन भी बना देता हूँ जस्ट फॉर कि हमारे पास टैब प्रेस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक बटन भी बना देता हूँ। ओके करते हैं। तो आप देखें यहाँ से मैंने सही एक पासवर्ड देता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ताकि हमारे पास एरर डिस्प्ले ना करे, तो मुझे ये यहाँ पर जाने दे रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ असद, ठीक है, और गलत लिखता हूँ, तो देखें ये अभी मेरे एरर डिस्प्ले कर रहा है। तो फिर जब मैं इसको सही पासवर्ड दूंगा, अभी मैं तो अभी भी एरर दे रहा है, जैसे ही मैं सही पासवर्ड दूंगा तो आपके पास जो कंट्रोल है वो इस तरफ चले जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो है ना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की जो वैलिडेशन है ना वो अपने फॉर्म के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इसके साथ हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है कि अभी ये जो पासवर्ड है ना ये हमें दिख रहा है, तो पासवर्ड तो ऐसी फील्ड होती है जो हमें यूज़र को शो नहीं करवानी होती। तो अगर ये हमें यूज़र को शो नहीं करवानी, अगर ये हमें यूज़र को शो नहीं करवानी, और अगर हमें इसकी जगह जो है ना पासवर्ड करेक्टर शो करवाना है, तो तब हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक होती है प्रॉपर्टी यूज पास सिस्टम पासवर्ड। तो अगर मैं इसको यूज सिस्टम पासवर्ड की फील्ड को यहाँ से ट्रू कर देता हूँ, तो अब ये दोनों जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होंगे वो क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखें अब ये जो आपके पास, अच्छा, तो अगर आपने अपने फॉर्म के अंदर जो है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ होगा, तो ये जो सिस्टम 4 वाली प्रॉपर्टी है पासवर्ड की वो वर्क नहीं करेगी। तो अगर मैं इसको अब यहाँ से मल्टी लाइन से मैंने हटाया है और अब लिख रहा हूँ, तो देखिए आपके पास ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। अब यहाँ पर मैं इसको सही पासवर्ड अगर प्रोवाइड कर देता हूँ,
और इसमें सब वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखें, अब इसमें भी हमारे पास जो है वो सिस्टम चार के अंदर ही वैल्यूज जो है ना डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान ये रखना है, एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपके पास मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स पे ये जो है सिस्टम पासवर्ड चार की प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। और अगर आप अपनी मर्जी का जो है ना करेक्टर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एज अ पासवर्ड चार, तो आपको एक पासवर्ड चार की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मिलती है। तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये रही आपके पास पासवर्ड चार की प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर आप जो है वो डैश सिंबल को शो करना चाहते हैं या स्टार सिंबल को शो करना चाहते हैं, तो आप क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स में जो पासवर्ड की जगह जो आपके पास करेक्टर शो हो रहा होगा वो आगे वाला स्टार शो हो रहा होगा। तो अब अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आप देखें स्टार में शो कर रहा है। तो आप इस तरह से जो है ना पासवर्ड वाली वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी जगह जो है ना वो करेक्टर भी जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं पासवर्ड में वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।